तो और मेरे भाई लोग आ चुके करने वाले वीडियो के साथ में। एंड ये वाला वीडियो भाई BGMI e-sport के रिलेटेड होने वाला है। आपको पता चल ही गया होगा इस वीडियो में क्या होने वाला है, और ये पूरा डिमांडिंग वीडियो है। इससे पहले मैंने जो है T3 स्क्रीम्स के बारे में एक वीडियो बनाया था, एंड उस वीडियो में मैंने T3 के रिलेटेड जो है सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था कि आपको T3 कैसे खेलना रहता है, कहाँ पर खेलना रहता है। तो उस वीडियो में मैंने ओनली फॉर भाई इन्फॉर्मेशन ही दी थी, और उस वीडियो में मैंने 100 लाइक का एम रखा था और बोला था कि अगर 100 लाइक का एम कंप्लीट हो जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो T3 के रजिस्ट्रेशन पे बताने वाला हूं कि आपको कहां पे खेलना है एंड कहां से आप ग्राइंड कर सकते हैं T3 से T2 एंड T2 से T1 तक। तो ये वाली पूरी जर्नी आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं एंड आपको कहां पे खेलना चाहिए, कौन से ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन पे खेलना चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल पे खेलना चाहिए और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट होने वाली आपके लिए, तो ये वाला वीडियो उसी टॉपिक पे है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, आपको सारा सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड साथ ही आपको डिस्कॉर्ड्स की लिंक भी देने वाला हूं, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी देने वाला हूं, ताकि आप उन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके आप इजीली भाई फ्री में T3 टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, एंड वहां पे आप ग्राइंड कर सकते हैं, अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड जब BGMI अनबैन होगा तब वो टाइम पे आप ऑफिशियल टूर्नामेंट को रजिस्टर करके वहां पे ग्राइंड करके भाई जो है भाई कॉम्पिटिटिव में करियर वगैरह बना सकते हैं, ये सबको भाई पता है। एंड यार T3 कैसे रजिस्टर करते हैं वो किसी को नहीं पता, तो वो वाला भाई वीडियो आ चुका है। ये वाले वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ एंड ये वाला वीडियो आपको बताइए पूरा डिमांडिंग था, एंड उस वीडियो में 100 लाइक एम जो है कंप्लीट हो चुका था, तो उसी की वजह से ये वाला वीडियो आ पा रहा है। तो ये वाला वीडियो में भाई आपको सारा सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि आपको कहाँ पे रजिस्टर करना है, कहाँ पे कैसे खेलना है, कहाँ पे पॉइंट टेबल्स की सिचुएशन रहने वाली है, कहाँ पे आपको क्या क्या करना रहता है, तो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो यार वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन वाला लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर से करना है। एंड आप भाई फर्स्ट बाइट चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर से कर लेना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहे। सो गाइस यार हम बिना बकवास के चलते हैं अपने वीडियो में, एंड आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको रजिस्टर करना है एंड मैं कहाँ पे खेलता हूँ और आपको कहाँ कहाँ खेलना चाहिए। ठीक है गाइस, अगर आपके पास पूरी टीम कंप्लीट हो गई, अगर आपके पास टीम नहीं है एंड आप टीम भाई क्रिएट करना चाहते हैं, आपके भाई टीममेट चाहिए आपको, तो यार आपको जो है मैंने भाई स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपको टीममेट कैसे फाइंड करने हैं टूर्नामेंट्स के लिए, ई-स्पोर्ट प्लेयर के लिए। सो गाइस यार आप भी ई-स्पोर्ट के लिए टीममेट फाइंड कर रहे हैं तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे वीडियोस की लिंक मिल जाने वाली है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाने वाली है, तो आप वो वाला वीडियो देख के भाई आप जो है भाई अपने टीममेट्स को फाइंड वगैरह कर सकते हैं। IGL हो गया आपका, आपके फ्रेगर्स हो गए, आपके सपोर्टर्स हो गए, वहाँ पे भी आप जो है भाई फाइंड कर सकते हैं। वो वाले वीडियो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो एंड वहाँ पे आप जो भाई टीममेट को वगैरह को फाइंड कर सकते हो। ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है, टीम कंप्लीट है, प्लस यहाँ पे आपको रजिस्टर कहाँ पे करना है, मैं कहाँ पे खेलता हूँ T3 के लिए, एंड आपको सबसे बेस्ट लोबी देखने को मिलने वाली है, और वहाँ पे आप जो ना भाई एक तरीके का वो T1 लोबी ही होता है, क्योंकि वहाँ पे इतने तगड़े भाई सिचुएशन रहती है। लाइक T1 लोबी मैं जब तक T2 लोबी एंड T1 लोबी खेला हूँ ना, तो वहाँ पे मेरे को पता है गाइज यार वो सेम सिचुएशन उस टूर्नामेंट में देखने को मिल जाने वाली है आपको। एंड यार उसको T3 तो नहीं बोल सकते, बट हाँ मतलब जो स्टार्टिंग होता है वो T3 का ही होता है, बट उसमें जो लोबी आपको देखने को मिलने वाली है T2 एंड T1 की लोबी देखने को मिलने वाली फाइनल्स एंड ग्रैंड फाइनल में, तो आप भाई इजीली भाई वहाँ पे जो है अच्छे परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, वहाँ पे आप इजीली अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एंड भाई प्राइज पूल भी जीत सकते हैं। वहाँ पे प्राइज पूल भी रहता है 5K 10K 20K ऐसा भाई 50K तक भी रहता है, तो आप वहाँ पे भी पैसे वगैरह भी अर्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। आप वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे खेलिए, ये वाला वीडियो कोई प्रमोशन वाला नहीं है, फाइनली मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन एंड मैं जहाँ पे खेल रहा हूँ वो उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो यार यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है भाई टूर्नामेंट्स खेलता हूँ मैं T3 के, पैसिफिक गेमिंग उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो यार उनके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो एंड उनको सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो उनकी जो चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वो पूरा ई-स्पोर्ट चैनल है, तो वहाँ पे आपको जो है स्ट्रीमिंग वगैरह देखने को मिल जाने वाली है एंड टूर्नामेंट के रिलेटेड आपको जो है वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि टूर्नामेंट्स कब स्टार्ट होने वाले, कौन से टूर्नामेंट में कहाँ पे रजिस्टर करना होता है, सब कुछ वहाँ पे जो है पूरी भाई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, और पूरा रजिस्टर लिंक भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं वो लोग एंड अच्छे से स्ट्रीम एंड अच्छे से पॉइंट टेबल भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप जो है ना भाई उसमें ग्राइंड कर सकते हैं एंड अच्छे तरीके से भाई टूर्नामेंट खेल सकते हैं। वहाँ पे आपको पॉइंट्स की भी एंड सारे रूल्स एंड सारी सब चीज़ें जो है ऑफिशियल टूर्नामेंट में होती है वैसे के वैसे रूल्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाने वाले हैं,
प्लस वहाँ पे भाई पूरे टूर्नामेंट चलते हैं 5K, 10K, 20K and 50K वगैरह। तो वहाँ पे भाई जितने भी मैं टूर्नामेंट खेला हूँ ना, वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा जो है मेरे को प्रैक्टिस देखने को मिलने वाला है। और वहाँ पे मैं जितना भी टूर्नामेंट खेला हूँ ना गाइस, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वहाँ पे आपको पूरी जो है लोबी एकदम बेस्ट देखने को मिलने वाली है। प्लस वहाँ पे आपको सारे स्लॉट जो है बुक मिलते हैं एंड भाई पूरी लोबी एकदम भाई 100 बंदे पूरे कंप्लीट के कंप्लीट आते हैं। तो अगर वहाँ पे आप जाके भाई ग्राइंड वगैरह कर सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा T3 ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे, आप जो अगर खेलने जाते हो तो वहाँ पे आपको जो है स्लॉट में भाई इतने बंदे ही देखने मिलते हैं, 40 बंदे 50 बंदे, इससे ज़्यादा आपको जो है उस लोबी में बंदे ही देखने को ही नहीं मिलते। तो आपका जो है वो नॉर्मल क्लासिक की तरह गेम हो जाता है, तो वहाँ पे आप जो है भाई टाइम वेस्ट करते हैं। बट अगर आपको T3 ओरिजिनल T3 खेलना है ना, अच्छे तरीके से टूर्नामेंट्स खेलना है, तो आप पैसिफिक गेमिंग के वहाँ पे जा सकते हैं एंड उनके व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो उनके ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाने वाली है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा खुद का व्हाट्सअप ग्रुप भी है ई स्पोर्ट प्लेयर के लिए, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा डिस्कॉर्ड भी है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आपको भाई टूर्नामेंट खेलने हैं, T3 रजिस्टर करना है, तो पैसिफिक गेमिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है। प्लस वहाँ पे उनके व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको देखने को मिलने वाला है, तो वो वाले ग्रुप को आपको ज्वाइन जरूर से कर लेना अगर आपको टूर्नामेंट्स T3 टूर्नामेंट्स खेलने हैं। ठीक है गाइस, अगर उसके बाद बात करूँ तो वहाँ पे भी जो है मैं पनिशर ई स्पोर्ट पे खेलता हूँ, तो उसके डिस्कॉर्ड की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलने वाली है। तो वो वाला पनिशर ई स्पोर्ट है, वहाँ पे भी आई भाई आपको बेस्ट लोबी देखने को मिलती है, पेड टूर्नामेंट होते हैं और पेड स्क्रीन्स वगैरह होती है भाई, सब कुछ एकदम ऑफिशियल जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसी के टाइप होता है, एकदम भाई नेक्स्ट लेवल टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे। अगर आप भाई उसमें जो है पेड भी खेल रहे तो बहुत मज़ा आता है एंड साथ ही वहाँ पे आपको फ्री टूर्नामेंट भी देखने को मिलते हैं एंड प्राइज पूल भी मिलता है, तो आप वहाँ पे जाके भी भाई फ्री टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं, T3 रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, तो आप जाके ज्वाइन करो एंड भाई प्ले करो वहाँ पे। सो गाइज यार, इन ऑर्गेनाइजेशन पे आप इजी तरीके से भाई टूर्नामेंट्स वगैरह खेल सकते हैं T3 के, पैसिफिक गेमिंग एंड पनिशर ई स्पोर्ट। पैसिफिक गेमिंग जो है वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं एंड T3 की लोबी आपको देखने को मिल जाती है, रेगुलरली स्ट्रीम वगैरह भी चलती है एंड प्लस वहाँ पे आपको जो है उनके चैनल भी है, तो वो भी सब्सक्राइब करके रख लेना। साथ ही उनके भाई जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, आप वहाँ पे खेलना चाहते हैं। यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा भाई मैचेस खेला हूँ ना पैसिफिक गेमिंग पे ही खेला हूँ एंड उससे पहले मैं पबजी मोबाइल की टूर्नामेंट्स खेलता था, बट वहाँ पे आपको तो इस वीडियो में बताने वाला नहीं हूँ कि पबजी मोबाइल पे कहाँ पे खेलता था, बट BGMI की बात करने वाला हूँ। तो BGMI में आप जो है ना भाई पनिशर ई स्पोर्ट पे जा सकते हो और वहाँ पे आपको पेड टूर्नामेंट आपको देखने को मिलने वाले, फ्री मिलने वाले, मैंने पहले ही बता दिया आपको। और वहाँ पे आपको T1 एंड T2 लोबी देखने को मिलने वाली, वहाँ पे एडवांटेज है आपके पास कि आप अगर वहाँ पे T3 खेल रहे हो तो T3 खेलने के बाद आपको जो है भाई अगर आप अच्छा ग्राइंड वगैरह कर रहे हो आपकी टीम के साथ, तो आपको वहाँ पे T2 में प्रमोट कर दिया जाएगा एंड साथ ही आप वहाँ पे अचीवमेंट वगैरह भी ले सकते हो इजी तरीके से। एंड पैसिफिक गेमिंग पे भी आपको अचीवमेंट वगैरह देखने को मिल जाने वाले, दोनों ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है एंड मैं खुद पर्सनली खेलता हूँ एंड मेरा खुद का पर्सनली ओपिनियन है, तो इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बाकी मैं भाई मेरा कोई ऐसा नहीं है कि भाई प्रमोट वगैरह है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। सो यार यहाँ पे मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ उनकी एंड मैंने खुद से ऐसा किया है, वो लोग ने भाई मेरे को नहीं बोला कि भाई प्रमोट करो ऐसा वैसा। तो यहाँ पे आप जो है इन टूर्नामेंट्स इनके भाई ऑर्गेनाइजेशन पे जाके खेल सकते हो एंड आप जो है अगर आप T1 लोबीज खेलना चाहते हो, T2 खेलना चाहते हो, T3 खेलना चाहते हो, तो भी वहाँ पे आपको पनिशर ई स्पोर्ट पे देखने को मिल जाने वाला है। एंड अगर आपको और भी कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका भी भाई रिव्यू कर सकता हूँ अपने चैनल पर एंड बता सकता हूँ अपनी ऑडियंस को कि यहाँ पे अभी आप खेल सकते हो एंड मैं खुद भी खेल सकता हूँ। सो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।